देखते हुए हम पानी की बर्बादी नहीं करेंगे और जो कोई भी करेंगे अपने घरों पर जाकर और आग पड़ोगा। डॉक्टर अशोक कुमार राय, प्रबंध निदेशक लक्ष्मी हॉस्पिटल वाराणसी। आज यहाँ पे जो अपने पूरे देश में ये भूजल जो घट रहा है, पानी का कमी होता जा रहा है, उसी के जागरूकता के लिए यहाँ पर श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटर कॉलेज में जो है यहाँ पे जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है बच्चों के बीच में। और यहाँ की जो है प्रधानाचार्य श्रीमती मुक्ता पांडे जी और सुबह बनारस के तत्वाधान में इस तरह का आयोजन पहले भी होता आया है। अभी दिन पे दिन जो है भूजल के स्तर अधिक गिरता जा रहा है, इसलिए जागरूकता के लिए यहाँ बच्चों के बीच में यह कार्यक्रम रखा गया है। और जो है इसमें सभी अपने से बच्चे जाके घर पे अपने पास पड़ोस अपने घर में बोलेंगे कि पानी नहीं गिरने देना चाहिए। और बच्चों की बात जो है बड़े लोग आजकल मानते हैं, पहले बड़ों का बात बच्चे मानते थे, लेकिन अभी ये भी बदल गया है कि बच्चे अगर कहेंगे तो लोग जानते हैं ना इसमें कुछ सच्चाई है, ज़रूर ये गलत काम है, हमको पानी नहीं नुकसान करना चाहिए। और इसी के साथ साथ प्रशासन को, यानी कि आप समझ लें कि जल निगम के लोग अधिकारियों को देखना चाहिए कि जो सरकारी पंप लगे हुए हैं वो इस तरह ना ओवरफ्लो ना हो, या जगह जगह जो सरकारी छोटे छोटे टोटी लगे रहते हैं, आप अधिकतर देखेंगे कि वहाँ पर टोटी ख़राब रहता है या रहता ही नहीं है, पूरा दिन रात गिरता रहता है, ये सबसे पहले रोकना होगा। और यहाँ पर जो है अपने सुबह बनारस के अध्यक्ष जो है आदरणीय मुकेश जायसवाल जी भी हमेशा सुबह बनारस की तरफ से इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम में लगे रहते हैं और हम लोग भी उनके साथ हमेशा हैं। और सभी काशीवासियों से कहेंगे कि भूजल जो इसका स्तर जो गिरता जा रहा है उसको देखते हुए सभी लोग पानी को बचाएँ और कम से कम पानी में जितना ज़रूरत हो उतना ही उसका उपयोग करें और पानी को नष्ट होने से बचाएं, जिससे कि पानी ही जीवन है। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर भी हैं, हाँ। जिस तरह से बनारस में जो डिग्री बढ़ रही है 42-43 डिग्री चल रही है सेल्सियस, हाँ, इसमें जो लोग ना चाह के भी अपने काम को कर रहे हैं उनको अपने शरीर में पानी की मात्रा किस तरह से रखना चाहिए और क्या करना चाहिए जिससे कि वो चीज़ बैलेंस हो सके? नहीं, जैसे कि आपका कहना है कि ये टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसमें हीट स्ट्रोक हो सकता है, लू लग सकता है, तो जाने के पहले उनको भरपेट तो पहले भोजन करना चाहिए, उसके बाद पानी भी पीना चाहिए, उसके बाद जितने खुले हुए अंग शरीर में है, हाथ है, ग्लव्स पहन के और हेलमेट लगा के चश्मा लगा के ये सब करके तभी धूप में जाना चाहिए। कहीं भी अगर धूप में निकलें, अगर बहुत ज़रूरी हो तभी निकलें, नहीं तो 12 बजे से 4 बजे के बीच में ना निकलें। मैं प्रधानाचार्य श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटर कॉलेज भैरवनाथ वाराणसी हूँ। आज किस तरह का कार्यक्रम यहाँ हो रहा है? आज सुबह बनारस क्लब की तरफ से विद्यालय में बच्चों को जल संरक्षण के लिए जागरूक करने हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। किस तरह से बच्चे इसमें अपना सहयोग दिए हैं और क्या शपथ ली है और किस तरह की चीज़ें यहाँ पर सामने हुई है? बच्चों ने यहाँ जल संरक्षण की शपथ ली है क्योंकि यह बच्चे ही हमारा भविष्य हैं और बच्चों को अगर हम जागरूक कर दिए तो जो निरंतर भूजल स्तर गिर रहा है और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भूजल या जल की उपलब्धता की स्थिति बहुत ही खराब होती जा रही है निरंतर, और लोग पानी पानी के लिए तरस रहे हैं, तो अगर हम अभी से नहीं जागरूक हुए और हमने अगर अपनी भावी पीढ़ी को जागरूक नहीं बनाया तो कल की समस्या इससे बहुत ज़्यादा भयावह होगी। तो इसीलिए आज बच्चों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई और जागरूक किया गया कि अपनी ज़रूरत भर का ही पानी यूज़ कर रहे हैं और उससे ज़्यादा जो पानी की बर्बादी हम करते हैं उसको रोकें, जिससे हम अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें और जल की कमी हमको भविष्य में महसूस न हो। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।